बस यही काम है, और कोई काम ही नहीं है, है ना। टेस्ट भी आज कर लूंगा मैं, टेस्ट नीचे तो जाना है। हाँ नीचे तो जाना है, चीटिंग करके करी ना तो तू देखना, फिर बताती हूँ मैं तेरे को कितना चार्ज। चश्मी से एक टाइम पे इसको खोल के भी वो कर देगा। हाँ सुनाई कहाँ से देगा बेटा। पच जाएगा ना तो तेरा खाना, जल्दी आ मेरा बेटा, जल्दी आना। तू बड़ी अच्छी है, तू कहना मान जाती है ना, तभी तो लोग बोलते हैं कि ये लड़का बड़ा शरारती है। ले जल्दी आ, तूने कौन सब्जी लेके जानी है, सब्जी कौन सी लेके जानी है, डाल ले तो गरम करनी है। ब्रेड ऐसे वहाँ रखी हुई थी तब बोली आपने वो हमारी सीट मेरी सीट है वो, तो हमारा हम रोज बैठते, तो बोला कि एक दिन धूप में बैठने दे, बाकी तू वहाँ बैठ दो फर्स्ट बेंच पे। मैंने बोलते तू वहाँ बिता रही, मैंने मैम अच्छे से सुन तो सही, और मैं बाहर ही चली गई, मेरे पैसे पकड़ के ले गई। बोलती नहीं कि मैडम फिर चार लड़के बोलती ले लेते नहीं बैठ दिया। तो ये क्या तरीका हुआ है, घर में न कहीं चल पड़ते हैं, बाहर नहीं चलते। हाँ ये सुन लेना तू, मेरे को मेरी खुशी में। हाँ सुबह सुबह मैं सारे मेरे को बोलती नीना मैडम की फेवरेट नीना मैडम को। तीन खाए ना मैंने, तो मैं दो खाती हूँ, एक एक्स्ट्रा नहीं हो गया, हो गया हुआ एक एक्स्ट्रा खा लिया, वो तो मैं मिलते मोटे मोटे हो, कितने मोटे हो ना, मोटे होते हो कैसे हो गई है, कुछ दवाइयाँ खाई हो तब भी हो पतली। मतलब कभी बार अच्छी बनती है, मैंने सड़क वाला की अजीब बनती है। थोड़ी बोला मैंने, जो थोड़ी सब्जी होती है वो हमेशा टेस्टी बनती है, बकवास मत करा कर ज्यादा, मैं तेरा मुंह तोड़ के मेरे काला कर देना। ये मैंने मैंने थोड़ी है ये वाह है तेरी तो पता है ना। वन वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है अभी, और 8:30 बजे का टाइम है अभी, और मैं बना रही हूँ चपाती, ऐसे लगभग हो ही गई है, और बच्चे का मतलब सोनी का खाना मैंने डाल दिया है साथ, और हैंसिया भी लगा हुआ है मोबाइल में एज यूजल, आपको पता ही है उसका। और कल आप लोगों ने बहुत मतलब जो लास्ट वाले वीडियो पर अपना मतलब अपने सजेशन दिए, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ बुरा लगता है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सही बात है कि बच्चे जिसके हों उसको उसने ही संभालने, किसी और ने थोड़ी संभालने आके, तो थैंक यू। और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और पूरा दिन लग जाता है ना ब्लॉग के पीछे, कभी खाना भी बनाओ साथ में, काम भी करो, उसको भी पढ़ाओ, तो इसलिए वो भी चल पड़ी है स्कूल। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे। हैंसी जल्दी आ इधर, शेती शेती पतंग रहने दे ना, फिर लग पड़ता तू, फिर वही हरकतें करने, तब तो सुनता है फिर। ले जल्दी है जल्दी,
सोनी स्कूल जा रही है बेटा, स्कूल जा रही है वो, आप इधर आओ जल्दी आओ। देख ले फिर, देख ले फिर, तू कर रहा है फिर जानबूझ के वही हरकत है। आ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तू अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, जल्दी आ, जल्दी आ ना, मैंने चपाती बनानी, जल्दी आ मेरा बच्चा, ये ले, बड़ा गुड्डू बड़ी अच्छी है, ले देख ले ऑन कैमरा क्या बोल रहा। तू एक काम करने गया ना, रिश्वत थोड़ी दूंगी तेरे को मैं। आज मैंने चाय की जगह कॉफी बनाई है, चलो कुछ नया करते हैं, चलो चीयर्स। तो अभी लंच का टाइम है और लंच तो मेरा हो गया, तो मैंने सोचा चलो आज चाय की जगह ना कॉफ़ी को रिप्लेस कर देते हैं, और कम दूध वाली और ज़्यादा कॉफ़ी वाली कॉफ़ी। आ जाइए आप लोग भी, और चीनी डाली मैंने इसमें क्योंकि मेरी शक्कर ख़त्म हो गई है, शक्कर लानी पड़ेगी। और एक बच्चा मेरे उस पर कमेंट कर रहा था कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, प्रमोशन कर दीजिए। तो पहली बात तो थैंक यू बच्चा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और दूसरा ये कि भाई मेरे खुद अभी सब्सक्राइबर हैं कितने, तुम्हें मिला के 600 हुए हैं, तो पर चलो अगर उसने मुझे बोला है, उसने कुछ उम्मीद लगा के बोला है, तो मैं आप जो भी मेरे को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि विनोद ठाकुर करके एक बच्चा है, उसका चैनल है अपना, तो आप जाइए उसके चैनल पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलो एक बच्चे को सपोर्ट हो जाएगा, और अगर मेरी तरफ से कुछ किसी का भला होता है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। और मेरे चाहे तो आप पिछले जो मैंने अभी कल वाला ब्लॉग डाला था सुन लेगा, उसमें जाके देखिएगा आप, उसमें एक विनोद ठाकुर करके उसने मुझे कमेंट भी किया हुआ है, और उसने मेरे को बोला कि आंटी प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जो है ना प्रमोट कर दीजिए। तो जाइए अब आप लोग और एक बार ज़रूर उसका चैनल देखिएगा, कमेंट से आपको पता चल ही जाएगा, और छोटा बच्चा है, बच्चों की इच्छा जो है वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे का भी चैनल है लेकिन अभी उसको इतना कुछ पता नहीं है, तो है उसका चैनल, उसने इंस्टाग्राम पे भी अपने पापा का चैनल जो है उस पर भी उसने आईडी को जो है अपना वो बनाया हुआ है, उस पर छोटी छोटी वीडियोस बना के डालता है, लेकिन है कि अभी वो बहुत छोटा है। हाँ आप चाहें तो जिस लड़के ने मुझे कहा है विनोद ठाकुर करके, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है उसका चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ, और आपसे फिर मिलती हूँ मैं शाम को। अभी मेरा जो है ना, मैंने पार्सल मंगाया हुआ था, पहुँच गया है, पता नहीं कैसा आया है क्या आया है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने जैगिंग मंगाई थी, लेकिन कपड़ा तो मुझे फिर सही लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको ना। तो ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, और ये आज पहुँची हैं, 3 जैगिंग है ये जैगिंग, और ये कलर है वाइट और ब्लैक, तो सबके साथ ही लग पड़ती है ना। तो अभी मुझे जो है ना लड़का घर पे ही दे गया, एक्चुअली हमारे पड़ोस में रहता लड़का, तो मैंने उसको बोला था कि मेरे को तू घर ही दे जाना, मैं कहाँ स्पेशली ऑफिस से लेके आऊँगी घर के लिए, तो बेचारा अभी दे के गया मुझे, और मैं उसको ट्राई करूँगी तो फिर दिखाऊँगी आपके साथ कि कैसी है इसकी फिटिंग या क्या कुछ है, और कलर तो अच्छे लग रहे हैं, और स्पेशली ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, पॉकेट पे है ना ये कुर्ती के साथ डालने के लिए, ये देखो सब में अलग अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग है। चलिए अब चलते हैं ऑफिस, और फिर शाम को मिलते हैं आपसे। हाँ जी, आया नहीं ऊपर, नीचे क्वार्टर गया वाले पापा ने, क्यों।
तो ये देखो मैं लाई थी शक्कर ना और सौंफ लाई थी, तो मीठा है तो पहले भगवान जी को अर्पण करते हैं, उसके बाद जो है ना घर के यूज़ के लिए, किचन की यूज़ के लिए होगा ये। और यहाँ मंदिर में मत्था टेक के मैं जाऊँगी अब किचन में, तो बस इसको मैं किचन में ले आई हूँ और अब इस डब्बे में डाल दूँगी जो शक्कर का डब्बा है। और शक्कर वाली चाय मतलब इतनी अब आदत पड़ गई है कि अब दूसरी चाय जो है ना अच्छी नहीं लगती। तो सुबह मैंने दिन में मैंने जो कॉफ़ी पी थी वो चीनी वाली पी थी, तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, और उसके बाद सच में बताऊँ तो मेरे को अभी तक अजीब सा ही फील हो रहा है। उसको रख देते हैं यहाँ पे शक्कर वाले को, और बंद कर देते हैं और इसको जो है इसमें करके काम आएगा। ये मैंने कर लिए हैं प्याज को, लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है और इसको लगाना है मेरे को भी तड़का। देखो मेरा ऑयल जो है ना अच्छे से हो गया है, और ये देखो मैंने जुगाड़ क्या लगाया हुआ है, इसी में रख दिया ढक्कन में ही। एक्चुअली फिर एक हाथ से मोबाइल पकड़ो ना तो फिर नहीं लग पाता ऐसे, तो इसमें मैंने जीरा है, अजवाइन है और साथ में है धनिया और सूखी लाल मिर्च, इसको डाल देते हैं। और आज जो बन रही है आज दाल बन रही है, ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज। तो मैंने ना इसमें से अच्छे से निकाल लिया ना, साफ कर दिया पूरा। और अब मेरे को डालना है दो टमाटर, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी इसमें। और चॉप करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइड में करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ तो काम होगा नहीं, तो फिलहाल मैं इसको काट लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं टमाटर कर रही हूँ चॉप, और दाल जो है ना दाल चटपटी ही अच्छी लगती है, तो टमाटर वगैरह डाल के, और मैंने दो टमाटर डाले थे, दो प्याज डाले थे, और बस अब इसको जो है मैं निकाल लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद लगाते हैं तड़का अपना। दाल को देख लेते हैं दाल हो गई है हमारी या नहीं, और चलो भी तो ये मैंने चने उड़द और मूंगी की दाल को डाला है इसमें, और मैं ना तड़का बना के इसी में डाल दूँगी। तो हमारे जो है ना प्याज भुन गए हैं अच्छे से, इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। तो इसमें नमक पहले ही ऐड हुआ हुआ है इसलिए मैं गरम डालूंगी, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे और नमक बाद में हम टेस्ट करके डालेंगे। बस फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अभी मसाला तैयार हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सीटी लगाऊँगी इसको। देखो चॉप करने का कितना अच्छा फ़ायदा कि जल्दी से ना मसाला अच्छे से जो है ग्रेवी बन जाती है। और धनिया जो है मुँह में जब आता ना खाना खाते हैं तो मेरे को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर वो कर लेते हैं यहाँ पर मिक्स। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।